मैम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ केजीएफ के बारे में। आज एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि इसे तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है और ज्यादा स्क्रीन्स इससे मिल रही है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि इसका जो रिलीज में जो मूवी है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो एनहांस करके रिलीज किया जा रहा है। और बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का एक बहुत ही स्ट्रांग प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप देखते हो, डायलॉग सुनते हो, जब यश की एंट्री होती है, जब फाइट्स होती है, तो जो म्यूजिक है उसका जो फील है वो बहुत खतरनाक है। ऐसे में जब पब्लिक ना इसको फुल हाउस और बढ़िया म्यूजिक के साथ देखेगी, बढ़िया मतलब को सही है, और एनहांस म्यूजिक और अच्छी और अपग्रेडेड म्यूजिक के साथ देखेगी ना, कमाल लगेगा पब्लिक को। इतना मेरे को इतना तो मुझे भी पता है। तो एटलीस्ट ये फिल्म आई थिंक इतना ही पता है कि तमिलनाडु में एनहांस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रिलीज हो रही है और भी ज्यादा इसको स्क्रीन्स मिल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं होगी, बाकी जगह भी आई थिंक उसी तरह से इसको रिलीज किया जाएगा। आई थिंक उसके बारे में बहुत ऑफिशियल कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ इस खबर के बारे में जरूर मैं श्योर हूं। इसके ऊपर कई सारे क्रिटिक्स ने भी अपनी राय अपडेट की है, इस खबर के बारे में बताया है। इसका मतलब साफ है कि तमिलनाडु में एनहांस म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये फिल्म दिखाई जाएगी आज सेकंड वीक से, और ज्यादा से ज्यादा इसको और शोज और स्क्रीन मिलने वाले हैं। कितने कुछ इसके बारे में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही है।